हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन फूड विद वैजंती। आज मैं बना रही हूँ स्पिनच और बीटरूट के नमक पारे। ये खाने में तो टेस्टी हैं, साथ में ये बहुत हेल्दी भी हैं क्योंकि ये पालक और चुकंदर से बने हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है पालक, इसको बॉईल करके इसकी प्यूरी बना ली है, और साथ में लिया है बीटरूट यानी कि चुकंदर, इसको भी बॉईल करके इसका पेस्ट बना लिया है। अब मैं दो बाउल ले लूंगी। पहले बाउल में 1 कप मैदा, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें ऐड कर देंगे पालक प्यूरी। और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको हम एक अच्छा सा डो बना लेंगे इसका। अब ये पालक वाला डो तैयार हो गया है, इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। दूसरे बाउल में भी 1 कप मैदा लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे बीटरूट प्यूरी। और इसका भी हम एक डो बना लेंगे। अब ये दोनों डो तैयार हो चुके हैं, पालक वाला और बीटरूट वाला। इनको हम 10 मिनट के लिए, 10 मिनट हो चुके हैं, अब हमारे दोनों डो रेडी हैं। साथ में ऑयल भी रख दिया है गरम करने के लिए। सबसे पहले जो बीटरूट रूट वाला हमारा डो है, इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। इसको हमने रोटी की तरह तैयार कर लिया है, अब हम इसकी स्ट्रिप काट लेंगे इस तरह से। अब हम इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह कट कर लेंगे। से कट लगा के इनकी स्ट्रिप अलग कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये स्ट्रिप डाल देंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। उसी तरह हमने पालक के भी स्ट्रिप काट लिए हैं, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है पालक और चुकंदर के नमक पारे।